हाय, मेरा विशाल। ओ एक्चुअली मेरा बोर्ड का एग्जाम है ना, तो एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, एक दिन पढ़ के तो मेरा हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही पढ़ा था और अच्छे खासे नंबर आ गए थे। देखते हैं। दोस्तों की बजाने से बढ़िया है कि आप इस घंटी को बजाओ और लाइफ के सुकून से मजे लो। कितनी भूल सकते हैं इसमें, पेज कितने होंगे? अरे यार, इससे क्या है, मुझे पढ़ने दो यार। ये पेज ज्यादा, इसको कटो। गड़बड़ अच्छा, वैसे इसका साइज क्या होगा? नाम के लिए देखा होगा। अरे यार, पढ़ ले यार तू विशाल। ये पढ़ता हूँ मैं, लेकिन यार मेरे को पढ़ना नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन एक बात तो है, ये पढ़ाई के वो मन क्यों कर रही है? अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम बजा 6:07 बजे पढ़ता हूँ। अरे यार, 7:10 हो गए यार, अब फिर मन नहीं करेगा, अब 8 बजे पढ़ना पड़ेगा सीधा। फिर वैसे ऐसा करता हूँ कि एक पार्ट में गेम ऑफ थ्रोन्स का देख लेता हूँ कम से कम। अरे यार, क्या मस्त ट्रेलर आया गेम ऑफ थ्रोन्स का यार, इस बार तो बड़ा मजा आएगी। अरे क्या मस्त है, ऐसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा इन लोगों को। अरे यार मैं पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है यार? मैं पढ़ क्यों नहीं रहा विशाल? पढ़ ले यार। ओके, फोकस। रामदेव बाबा कहते हैं कि ओम विलोम करने से शांति मिलती है। अरे यार, ना कर ऐसे ही। ओके बस, लेकिन यार मैं अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं मैं यार। मैं वैसे एक बात, जिसने ये एग्जाम बना उसे पकड़ के मारने का तो मन कर रहा है, कहीं मिल जाए उसके बना डाल रहा उसको। हाँ, लेकिन पेपर बनाया किसने? और तबाही देखे चला गया। अच्छा, वैसे अगर मैं खाना खा के आ जाऊँ तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ ये सही है। ओ यार, ज्यादा खा लिया मैंने, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यार। मुझे ओम कपालभाति करनी जरूरी है यार, कपालभाति करता हूँ मैं रामदेव बाबा की तरह। फिर पढ़ूंगा। ये कब तक करता रहूँ यार, ये कपालभाति से कुछ नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है मुझे लेट के पढ़ना चाहिए, जल्दी याद हो जाएगा उस समय। ये सही है। वैसे मम्मी को मेरे पे हमेशा ट्रस्ट रहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो उसकी बड़ाई करूंगा, लेकिन पापा को कहाँ है। पापा को तो ये लगता है मैं कैसे करूंगा ये। अब इस चीज की कौन सोचे, पापा को कौन बताए। लेकिन ये तो है कि लोगों के टाइम आता है, मेरा एक जमाना आएगा। अब पढ़ ले गधे, तेरा जमाना नहीं, पहले बोर्ड के एग्जाम दे दे तू। लेकिन अब ये बात बताओ कि दाढ़ी ज्यादा बड़ी क्यों होगी मेरे से? कितना अच्छा सोचता है, तेरा कल बोर्ड का एग्जाम है और तू अभी इतने बढ़िया बढ़िया बातें सोच रहा है। क्या बात है विशाल, क्या बात है, तू ऐसे ही पास हो ही जाए, गधे पढ़ ले। वैसे यहाँ पे इतना सब कौन लिख देता है, पेपर छापता कौन है? ये भी अजीब सी बात है कि छापने वाले को छपाई के लिए कुछ और नहीं मिलता है, जो बोर्ड के एग्जाम छाप देता है ये। वैसे जिस तरह से डॉन मूवी में शाहरुख खान ने पीछे चोटी मार ली ना, वैसे अपने बाल बड़े करके चोटी मारूंगा भाई, हीरो बन जाऊंगा कसम से। पीछे चोटी रहेगी भाई, सब मुझे हीरो कहेंगे। लेकिन चोटी मारने से हीरो थोड़ी ना होते, चूतिया ही कह रहा हूँ, सकल चूके वाली है। क्या करूँ यार, मुसीबत ही है यार। पढ़ ही ले यार, उससे बढ़िया बोर्ड एग्जाम है, पढ़ ले। लेकिन वैसे मैं डोला भी थोड़ा मोटा हो ही गया, मैं शायद मॉडलिंग भी कर सकता हूँ मैं। लाइक मैं 14-15 का तो होगा डोला, और सलमान खान का 16 होता है, मैं 14-15 तो होगा। किसी को भी एक साथ पीट सकता हूँ मैं, बॉडी तो वैसे ही बनी हुई है, अच्छी खासी बॉडी है मेरी। ये भी सही है यार। अबे पढ़ ले यार, क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, गधे पढ़ ले यार। किसका भला हुआ है बॉर्डरिंग से? वैसे टाइम कितना हुआ है यार? ओ तेरी, 11 बज गए यार, अब कितना टाइम बचा है यार? 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8 घंटे। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो पढ़ाई कर सकता हूँ, अगर मैं फोकस लेके चलूँ अपने आप को, वैसे पढ़ सकता हूँ। अरे वैसे दिशा पाटन कितनी मस्त लगती है ना, पढ़ ले यार गधे, चल पढ़ यार। अरे
वैसे यार एक गेम मैं पबजी का खेल लूँ क्या? उससे माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए कामयाब सा भी हो जाऊँगा। एक गेम खेल ही लेता हूँ पबजी का। यार कितना इजी गेम था यार, मेरे से कोई जीत सकता है क्या ये गेम? है इस गेम का तो मैं माहिर हूँ, एक और गेम खेल ही लेता हूँ। चाहे कुछ भी हो चिकन खाओ, मुझे ना आर्मी में भर्ती हो जाना चाहिए यार। मेरे अंदर काबिलियत है, मैं किसी के घर में उसे मार के आ सकता हूँ, मैं किसी के गिरोह में घुस जाऊँ और मार के आ सकता हूँ। वैसे मोदी जी को ना मुझे नोबेल पुरस्कार तो देना चाहिए इस मामले में। वैसे टाइम कितना हो गया? ओ तेरी शिट मैन, 2 बज गए यार। अब बचे 4 घंटे यार, अब 4 घंटे में कैसी पढ़ाई करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे रोहित से पूछता हूँ, रोहित का कितना हुआ? हाँ पूछता हूँ एक बार। नहीं यार रोहित से पूछूंगा, रोहित बोलेगा भाई मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कल सुबह जब एग्जाम होगा तब उसमें वो लिखता रहेगा। और जब मैं पूछूंगा भाई दिखा दे, तो कहेगा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ये करके देखा भाई। तू भाई बच गया, उल्टी सीधी हरकत करता क्यों? वैसे मैं हाथ सर के ऊपर से कान को छू सकता है क्या? ये तो छू गया। अच्छा दूसरा हाथ भी एक बार करके देखता हूँ, दूसरा सर छू सकता हूँ क्या? वैसे एक बात तो है, नर्सरी क्लास में कई चीज, अरे यार तो अभी नर्सरी में नहीं है, 10th में घर है। वैसे देखा जाए तो यार एक्टिंग में स्कोप है यार, मैं भी शाहरुख खान की तरह बाएं फैला के कर सकता हूँ। वैसे यार कोई लड़की क्या मुझे कोई चंगा तक नहीं देगा यार इस एंगल से बनाते हुए। ले जा वाली लड़की कितनी मस्त है ना यार, कितना बढ़िया गाती है। तुझे यार ले जा नहीं तेरे को गांजा लड़की मिलेगी। तो टाइम कितना हो गया? और तेरी बहन का 5 बज गए यार, अब क्या घंटा पढ़ाई करो 5 बजे तक। वैसे देखा जाए तो मैं सोऊंगा तो एक पेपर के टाइम में मैं एग्जाम का बिल्कुल फोकस में रहेगा। और वैसे नींद तो जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तेरे हीरो जैसा लगता है, लेकिन साले पीठ पीछे चूतिया भी तो कहते हैं मुझे कि चूतिया जा रहा। वैसे यार इनकी बातों को रखूंगा सो ही जाता हूँ यार, क्या रखा इन बातों में, सोता हूँ मैं यार। यार पढ़ाई तो हो नहीं पाई, बस अब एक ही चारा बचा है बस। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर कर दें यार। और हाँ घंटा बजाना ना भूलें बिल्कुल। बाय बाय।